दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल तिवारी किचन में। छोला कुलचा इसी देसी मटर से बनता है, तो हम अभी रात को इसको भिगोने जा रहे हैं। अब इसमें एक से डेढ़ गिलास हम पानी डाल देते हैं। हम अब आपको आज छोले कुलचा बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमने ये गोल वाले मटर लिए हैं और इसको 5 से 6 सीटी लगाना है इसको। उसके बाद चलिए जो प्रोसेस करते हैं फिर बताते। अब इसको हम उबालने जा रहे हैं, पानी डालेंगे 3 से 4 गिलास। अब इसको 5 से 6 सीटी लगाना है। अब इसको मैं ऊपर को बंद करते हैं। अभी हमने जो छोले आपको दिखाया था वो छोले हमने उबाल लिया है और ये हमने रख लिया है, और उसने 2 से 3 प्याज हमने कट कर लिया है और 2 टमाटर कट कर लिया और हरी मिर्च 3 से 4 काट लिया, धनिया पत्ता। और जो छोले कुलचे में सबसे अच्छा जो लगता है वो इमली की खटाई, खटाई खट्टा बनाने के लिए इमली का ये पानी हमने बनाया है। तो अब हम प्रोसेस करते फिर बताते हैं आपको। फ्राई पैन हमारा गर्म हो चुका है, 2 से 3 चम्मच इसमें देसी घी डालेंगे। यदि आपके पास मक्खन है तो मक्खन भी डाल सकते हैं, हमारे पास देसी घी था हमने देसी घी का इस्तेमाल कर लिया। 3 चम्मच हमने देसी घी डाल दिया इसमें। इसमें हम हरा मिर्च जो काटा था, अब हम इसमें प्याज अपने डाल देंगे। अब इसको हम डालेंगे टमाटर जो कट किया था वो डाल लेते हैं। दोस्तों, अब हमने छोले को जो उबाला हुआ था वो डाल देते हैं। मिक्स करते हैं, अच्छी तरह से मिला देते हैं। देखिए, हमने अच्छी तरह से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है दोस्तों। और अब इसमें क्या करेंगे कि जो हमने खटाई जो इमली का बनाया था वो डाल देना है। हमें इसमें धनिया पत्ता जो है उसको कट किया था वो डाल लेंगे, और हम इसमें भुने हुए जीरे हमने रख रखा था 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा। इसमें चाट मसाला डाल लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। के लिए कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डाल देते हैं, हम 1 चम्मच डालते हैं, बाकी स्वाद अनुसार आप देख लीजिए। आप ज्यादा खाते हैं तो अपने तरीके से देख लीजिए। हमने क्योंकि काला नमक डाला था इसीलिए हमने ये वाला नमक हमने 1 ही चम्मच लिया है, और हमने कश्मीरी लाल मिर्च जो लगाया है कलर के लिए। अब हम इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। दोस्तों, जो हमने सामग्री तैयार किया था वो अच्छी तरह हमने छोलों में मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक हमारे पास नींबू है, इसको आधा कट कर लिया, ऊपर से छोड़ देते हैं थोड़ा, और अच्छा से खट्टा खट्टा अच्छा लगता है छोले में। तो अभी कुलचे हम बनाते हैं, फिर सर्व करेंगे, फिर दिखाते हैं। हम गैस को बंद करते हैं। अब इसी में बनाएंगे हम कुलचे। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी दोबारा, क्योंकि अब हमें कुलचे बनाना है। घी डाल दिया 2 चम्मच। हम डालेंगे प्याज, हमारे जो कुलचे हैं उनको इसी में सिकाई करना है। देखिए, हमारा कुलचा तैयार हो गया। अब ऐसे ही करके एक एक करके बनाना दोस्तों।